आज के सेशन में सदर मुमलकत के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान का सदर कैसे मुंतखब होता है, सदर पाकिस्तान का तारफ, और फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है कि पाकिस्तान में सदर इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए मुंतखब होता है, इसका तरीकाकार क्या है। सबसे पहले चलते हैं सदर मुमलकत की इंट्रोडक्शन के लिए जी। देर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेजिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दीज आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अ मुस्लिम, एटलीस्ट 45 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड टू बी एलेक्टेड एज मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने के लिए चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले है पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान की शहरियत का होना ज़रूरी है। ही मस्ट बी मुस्लिम, मुसलमान होने की शर्त लाजमी है हमारे आईन के तहत ऐसे शख्स के लिए जो सदर मुंतखब होने की अहलियत रखता हो। एटलीस्ट 45 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम जो एज मुख्तस की गई है सदर मुमलकत के लिए वो है 45 साल। और चौथा पॉइंट है कि सदर ऐसा शख्स होगा जो इन तीन रिक्वायरमेंट के साथ पाकिस्तान की मजलिस शूरा पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब होने की अहलियत रखता हो। दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमने समझनी है वो है इलेक्टोरल कॉलेज। यही वो क्वेश्चन का मेन हिस्सा है जिसमें हमने समझना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज इन पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 41(3) डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इन पाकिस्तान। हमारे आईन के 47 आर्टिकल के क्लास 3 में ये प्रोसीजर दर्ज किया गया है। पहली बात क्या है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, यानी उसका इंतखाब बराह रास्त पब्लिक के वोट से नहीं होता है, पब्लिक के मुंतखब करदा लोग उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अब अगली जो बात समझने की है वो है पार्लियामेंट, पाकिस्तान की जो मजलिस शूरा है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ बाइकैमरल, दो मुकन्ना ऐवान है पाकिस्तान का, एक ऐवान ज़ेरी है और एक ऐवान बाला है, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। तो सदर मुमलिकत के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस शामिल होते हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट। और तीसरे नंबर पर है प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबाओं की जो असम्बलियाँ हैं उनके जो MPAs होते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज, वो अपना वोट कास्ट करते हैं सदर के इंतखाब के लिए। अब उस इंतखाब के प्रोसीजर को हमने देखना है कि ये इंतखाब कैसे मुमकिन होता है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इन पाकिस्तान। तो उसको ये एक डायग्राम के तौर पर आपके सामने लिख दिया गया है। सबसे पहले प्रोविंशियल असम्बली मेंबर्स वेटेज और टोटल मेंबर्स की तादाद। तो हमारे पाकिस्तान के चार सूबे हैं, चारों सूबों के अंदर पॉपुलेशन रकबा डिफरेंट है। बलूचिस्तान हमारा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है जबकि आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। ऐसे ही फिर पंजाब है, ये रकबे के लिहाज से आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तकरीबन 56% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू पंजाब। ऐसे ही फिर केपी के है और सिंध है। तो यहाँ पर सीटों की जो तादाद है, जो MPAs हैं उनकी तादाद डिफरेंट है। बलूचिस्तान के अंदर 65 हैं, केपी में 124 और पंजाब में 371, सिंध में 168। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में जो रुकनीत है, जो वोट की रेशो है, वो बलूचिस्तान के हिसाब से मुख्तस की गई है। यहाँ पर कम से कम मेंबर 65, तो यहाँ पर डिफरेंट है। तो इस रेशो को इक्वल करने के लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए यही फिगर जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज में वोट कास्ट करेगा। उसकी रेशो ये है कि बलूचिस्तान असम्बली के अंदर हर मेंबर एक वोट कास्ट करेगा, जबकि केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर ये रेशो चेंज है। यहाँ पर तकरीबन 4, 4.5 या 5 बंदों का एक वोट शुमार होगा,
ऐसे ही पंजाब में होगा, ऐसे ही सिंध में होगा, यानी डिफरेंट। तीन लोगों का वोट, चार लोगों का वोट, पांच लोगों का वोट एक तस्लीम किया जाएगा। ओवरऑल रेशियो जो है उसको 65 पर लेकर आएंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कुल जो वोटों की तादाद होगी प्रोविंशियल असम्बली की वो है 260 वोट हो गए 65 की रेशो के हिसाब से चारों प्रोविंसेस के अंदर। अब नेशनल असम्बली जो है, नेशनल असम्बली की कुल तादाद है 342। अब यहाँ पर हर एमएनए का एक वोट एक्सेप्ट किया जाएगा, सिंगल वोट के हिसाब से जाएंगे, ये पूरे 342 वोट शुमार होंगे। सेनेट के अंदर 104 मेंबरान हैं, यहाँ पर भी हर बंदे का वोट शुमार होगा, 104 वोट यहाँ पर होंगे। तो यूँ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ टोटल 706 वोट। इलेक्टोरल कॉलेज की कुल तादाद 706 है। ये 706 वोट जब कास्ट होते हैं तो वहाँ पर सदर पाकिस्तान का इंतखाब होता है। वहाँ जब इंतखाब किया जाता है तो अब पर्सन नीड सिंपल मेजॉरिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन का कुछ सम अप करते हैं एट दी एंड ओवरऑल एनालिसिस में। तो इस क्लास में हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मालूमात हासिल की। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है जी? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लीड एज हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है जी? हेड ऑफ स्टेट है। वाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। और उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पढ़ी, जहां पर चार चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ी कि चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही मस्ट बी मुस्लिम, ही मस्ट बी ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज, एंड ही इज एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ नेशनल असम्बली। चार चीज़ें चाहिए थी कि वो ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का शहरी हो, मुसलमान हो, उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो, और वो कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब होने की एहलियत रखता हो, वो शख्स पाकिस्तान का सदर बन सकता है। फिर इलेक्टोरल कॉलेज की बात की हमने। इलेक्टोरल कॉलेज से पता चला हमारी पार्लियामेंट मजलिस शूरा के दोनों हाउसेस, नेशनल असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं। उस वोट कास्ट करने के तरीकाकार को हमने स्टडी किया कि 65 मेंबर बलूचिस्तान के हैं, बाकी सूबों की तादाद डिफरेंट है। तो 65 के फिगर को फिक्स किया गया, तमाम असम्बलियों के मेंबरान की रेशो 65 के इक्वल की, 260 वोट बने। नेशनल असम्बली के 342 और सेनेट के 104, कुल मिलाकर 706 बंदे जब अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए सदर पाकिस्तान का इंतखाब मुमकिन होता है। शुक्रिया।